आज मैं आपको एक हैक बताता हूँ। हैक समझते हो? वाइवा को देने का हैक। वाइवा में है सबसे ज्यादा फटती बच्चे की, है ना? ऐसा लगता है कि वाइवा में जो दो जानवर आए खा जाएंगे, नहीं? तो आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलने जा रहा हूँ। वाइवा में जिसको तीन नंबर में से तीन नंबर पूरे चाहिए अपनी बढ़िया इमेज बनानी है, तो ये काम कर लेना जो मैं बोलना चाहता हूँ। तैयार हो तुम लोग? आज ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, वाइवा लेने कौन आया है, मेल है कि फीमेल है? कि अगर मेल है तो लड़कियों के लिए आसान है, और अगर फीमेल है तो लड़कों के लिए आसान है। अब जिसके लिए हार्ड है उसको सुनो, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी, तो सबसे पहला काम आपको करके जाना है, चाहे तुम स्कूल में पूरे टाइम कैसे भी भद्दे बन के जाते हो, वाइवा वाले दिन प्लीज आप अपनी सुंदरतम रूप में जाना, मतलब स्मार्ट बन के जाना, क्योंकि आप जैसे दिखते हो ना उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत पड़ता है। लोग इतने नलायक होते हैं ना, सच बता रहा हूँ। ये लैब का ये है आपका वो कोट, लैब कोट, और इधर से शर्ट के ये वहां तक बटन खुले, छाती दिख रही है, पता नहीं क्या हनुमान जी बन के दिखाएंगे वहां पे। तो ये बंद कर लेना बटन अपने, छोरे बहुत होशियार होते हैं, सच बता रहा हूँ। और कईयों के बाल तो स्पाइक वाले लंबे लंबे बाल, बाल लंबे है बेटा, बाल लंबे वालों से बहुत छोड़ होती है। छोटे छोटे बाल करा के जाना, एकदम भगवान राम लगने चाहिए हो तुम, एकदम सुधरा हुआ बच्चा, लाल बाल गोपाल, सुंदरम सुंदरम, उससे अच्छा बच्चा ही नहीं दुनिया में। पापा भी घबरा जाए कि आज इसका एकदम अवतार चेंज कैसे हो गया। समझ में आ रहा है? एक और बात समझ लो, वाइवा में ना ये बात याद रखना, आपको कभी भी वाइवा में जीतना नहीं है। मैं क्या बोला ध्यान से सुनना, जो एग्जामिनर होता है ना, वो एग्जामिनर क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा है तो अपने आप में ईगो लेके घूमता है, मेरे को बहुत कुछ आता है, तो एग्जामिनर का तो काम ही यही है कि बच्चे को जैसे तैसे किसी ना किसी क्वेश्चन में गिराना, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब आप आंसर दे रहे हो ना, पोलाइट आंसर देना पहली बात, और दूसरा कभी भी अपने एग्जामिनर से जिद मत करना किसी भी चीज को लेकर, कभी नहीं। उसने जो बोला वही शाश्वत सत्य है, चुप हो जाना, बस अपना आंसर दिया, चुप हो गए, और एक हल्की सी मुस्कुराहट रखना अपने चेहरे पर, आप जीत जाओगे, आपके नंबर पूरे देखे जाएगा। जब उनको लगता है बहुत अपने आप में बड़ा बन रहा है, हीरो बन रहा है, तो वो उसकी मार लेते हैं वाइवा में। और एक और बात, जो सही एग्जामिनर होते हैं वो आपसे ही पूछेंगे कि तुम्हें क्या आता है, सही एग्जामिनर आपसे पूछेंगे तुम्हें क्या आता है। आप यहां पर दो तरह के बच्चे होते हैं, पहला तो बच्चा वो होता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, पूछ लो, ऐसा कभी मत बोलना, जैसे बोलता ना मेरे को सब कुछ आता कुछ भी पूछ लो, वो ओवर कॉन्फिडेंट है। तो फिर वो प्यार से बोलना कि वैसे तो सर मेरा पूरा सब्जेक्ट फेवरेट है, बट मुझे ये पोर्शन अच्छा लगता है। ऐसे जब बोलते हो ना तो वो लगता है कि आप ईमानदारी से जवाब दे रहे हो, समझ लो। सर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर भी नहीं होना चाहिए, अंडर भी नहीं होना चाहिए, तो सब कुछ है। तो आपको 30 में से 30 नंबर बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती।